शांति, आज 22 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सलवेस करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न है ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक यानी रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वन वहां में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद ना रहे। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है। उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परमपिता परमात्मा। स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉडफादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है। अभी तो हेल है। तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोझरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोझरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉडफादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया फादर को कहा ही जाता है पतित पावन। और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तुम सबका फादर है नहीं। वह तुम जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चों का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे बिरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉडफादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है
तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं, यह सब तुम नई बातें सुनते हो। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं, मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए, बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं, यथार्थ तो बन ना सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो झूठ खंड हो जाता है, तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है, सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है, माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है। फिर बाप आकर उनको सेल्वेज करते हैं, तुम इस भारत को फिर से सेल्वेज करते हो, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नवनिर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है। तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वराइस कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं कि राइस कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ, वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते, यह तुम बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है, सीढ़ी उतरनी होती है फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है, भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय, फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करना होता है, मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो, बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोध होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गतिदाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु, शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो, तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो है वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में
लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे सिखाया वह भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर तुम हो शिववंशी। वह रचता है यह रचना है, बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना, शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवड मोस्ट शिव बाबा है परम प्रिय, तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियारों आदि की बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली, गऊ मुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी हैं, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ बस। अल्लाह आकर बहिष्ट स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है, यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तुम बाप कहते हैं मनमना भव, बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है, रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है, पेशगीर यानी विस्तार बड़ा है, तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। पुजारी तो बनना है ना, आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो फिर हजार सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा हजार सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह है पढ़ाई, धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं।
बोध में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं। इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। यह गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ ना सके। कितनी गुह समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं। परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हरेक का पाठ अलग अलग है। एक न मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है। वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाट बजाने के लिए, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़े ही होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं। वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, वह पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाहा में। वनवाहा और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या। हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तुम खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तुम संभालना पड़ता है। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं यह पुराना कपड़ा पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है। अब तो फिर से अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पाठ बजाने। उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है।
इसमें फंक नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरा, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान है अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीस्ट आत्मा। स्लोगन है कर्म करते करण करावनहार, बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। ओम शांति।